बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, जनाब रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर मासूम यासीन ज़ई साहब, प्रेसिडेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, तुलबा और असातिज़ा, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी कि मैं यहाँ आपके दरमियान हाज़िर हूँ और एक इंतहाई अहम मौजू पे चंद गुज़ारशात आपके सामने पेश करूँ। जो आपने आज का मज़मून रखा है, ये हमारी कौम के लिए एक इंतहाई अहम मज़मून है कि पाकिस्तानियत क्या है और हमने पाकिस्तानियत को वापस कैसे लेना है। जहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बैठे हों, वहाँ मुश्किल होता है मेरे जैसे सियासी बंदों को बात करने का, लेकिन मैं जसारत करूँगा कुछ अपने मारूजात और कुछ हमारे दोस्त भी बैठे हैं मारूजात पेश करने के लिए। ये सफ़र तो 70-71 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले शुरू हुआ, जब एक पाकिस्तानियत की सोच की वजह से पाकिस्तान की तहरीक उठी और पाकिस्तान की तहरीक चली। लेकिन इन 70 सालों में इसमें बहुत सारी पाकिस्तानियत के बहुत सारे अवामिल जो हैं वो इसमें शामिल हुए। ये कोई स्टैटिक किसी कौम का जो शनाख्त होती है वो एक साकित और जामिद चीज़ नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो इवॉल्व करती रहती है। कुछ चीज़ें हमारे केस में परमानेंट हैं, हम मुसलमान हैं ज़्यादातर, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, ये परमानेंट है, ये ज़मीन हमारी है, ये खित्ता हमारा है, ये हमारा हिस्सा है, हमारी ज़बानें, हमारा कल्चर, ये हमारा है। और इस सारों ने मिल के एक जज्बा पैदा किया है और उस जज्बे का नाम है पाकिस्तानियत। तो ये जज्बा जो है इसको डिफाइन करना एक आसान काम नहीं है, लेकिन ये जज्बा जाहिर जब होता है तो तब बेहतरीन तरीके से नज़र आता है। हमारी हेरिटेज है, मुख्तलिफ किस्म का विरसा है हमारा, हमारा इस्लामी विरसा है, हमारा इस खित्ते का, इस ज़मीन का विरसा है, हमारी तारीख का एक विरसा है। ये सब कुछ मिलके हमारी अंदर एक वो जज्बा पैदा करता है जिसको हम पाकिस्तानियत कहते हैं। लेकिन फिर वो नज़र आता है और उसकी ज़्यादातर जो चीज़ होती है वो जब आपकी हुब्बुल वतनी ज़ाहिर होती है और नज़र आती है, और ये मुख्तलिफ़ औकात पे नज़र आती है, खुशियों में भी नज़र आती है, मुश्किल औकात में भी नज़र आती है। हमारे मुल्क में 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, हमारे जैसे जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको याद है कि 65 की जब जंग हुई तो क्या जज्बा इस कौम में पैदा हुआ, किस तरीके से हमने अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़े होके सारी कौम ने यक जबान होके इस जंग को लड़ा। फिर मुश्किल वक्त आया, 71 की जंग एक मुश्किल वक्त था, लेकिन फिर भी उस ट्रेजिडी से भी ये कौम ने सीखा और एक कौम जो है वो आगे बढ़ी। लेकिन उसके बाद और अवामिल ऐसे हैं जिनमें हमने, ये तो मैंने चंद बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की, लेकिन और भी चीज़ें हैं। जब हमें कामयाबियाँ होती हैं तो हम एक खुशी महसूस करते हैं, वो भी पाकिस्तानियत। जब हमने 1992 में वर्ल्ड कप जीता तो सारा कौम खुश हुई, सारी कौम ने उसमें खुशियाँ मनाई। जब हम किसी भी शोबे में आगे बढ़ते हैं, किसी भी शोबे में हमारी तरक्की होती है तो हमारे दिल में एक ठंडक और एक हमें खुशी महसूस होती है। स्पोर्ट्स में अगर कुछ बेहतर होता है तो हमें एक खुशी मिलती है कि हमने ये किया है। ये सारा एक जज्बा है जो हम अपने अचीवमेंट्स में जब खुशी मनाते हैं तो ये एक पाकिस्तानियत का जज्बा है। उसके बाद हमारा म्यूज़िक, हमारा कल्चर, उसको भी हम शेयर करते हैं। हमारे बहुत सारे कौन पाकिस्तानी शेयर नहीं करता कि सोनी धरती अल्लाह रखें, सबके लिए एक अपलिफ्टिंग पैगाम है।
वो कल्चर को हम शेयर करते हैं। उसके बाद हम उसके हमारे हीरोज़ जो हैं, जिनको जिनकी हम कदर करते हैं, जो जो हमारे लिए एक एक मंजिलत का मुकाम रखते हैं, उनको हम शेयर करते हैं और उनको उनके बारे में इकबाल को हम शेयर करते हैं, कायदे आज़म की हम तारीफ़ करते हैं। ये हमारे हीरोज़ हैं जिनकी हम तारीफ़ करते हैं। हमारा जिसको अंग्रेज़ी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, वो तकरीबन एक जैसा है। अगर हम अगर कौम के बारे में सोचें और मुल्क के बारे में सोचें, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसमें बहुत सारी यकसानियत है। तो ये भी एक पाकिस्तानियत की मिसाल है। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं, और अगर हम चैलेंजेस का जिक्र ना करें तो हमारा ये जो आज का सेमिनार है या जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं वो नामुकम्मल होगी। हमारी जो शराय खानगी अभी 58% है। अगर किसी को शऊर ही नहीं है कि वो कौन है और वो कहाँ है, तो उसमें वो जो जज्बा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जज्बा नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा शराय खानगी तालीम, यानी कि जो लोग तालीम याफ्ता हैं उनका 58% होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि 32% लोग ऐसे हैं जिनको जो लिख नहीं पढ़ नहीं सकते, जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। तो इसलिए वो क्या उनको जो बाकी चीज़ें हैं उसके बारे में इदराक कैसे होगा। उसके अलावा हमारी सोसाइटी में अगर नाइंसाफ़ी होती है, अगर किसी भी तरीके से नाइंसाफ़ी होती है, तो वो हमारा जो एक मुश्तरका जज्बा है उसको कमज़ोर करती है। क्योंकि नाइंसाफ़ी जो है वो उससे दिल दुखते हैं, उससे तकलीफ़ होती है। इसलिए हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी है हमारे मुआशरे में, उस नाइंसाफ़ी को हमने ख़त्म करना है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा एक छोटा तबका मुल्क के वसाइल पे, मुल्क की सियासत पे, मुल्क के उस पर एक लिहाज से कब्ज़ा कर ले, यानी कि फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाए, अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि सब बराबर हो, नहीं हो सकते, लेकिन एक सोशल सेफ्टी नेट जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो तो हो कि हर जो 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 गरीब है उसको इंसाफ तो मिले, अदालतों से इंसाफ मिले, उसको पुलिस स्टेशन में इंसाफ मिले, उसको अपने उसको मुआशी इंसाफ मिले, नौकरियां मिलें। तो ये जो नाइंसाफ़ी है मुआशरे में, वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो है वो चैलेंज बनता है। उसके बाद और किस्म के भी चैलेंजेस हैं। एक अंदरूनी जो खाना जंगी की तरफ जो इंटरनल सबवर्जन जिसे कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे जो सबवर्जन है, जो इंटरनल सबवर्जन कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मन कर रहे हैं। वो आके एक ऐसे पेनिट्रेशन करते हैं जहाँ पे वो कुछ लोगों को वरगला के हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। हमने दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था वो उसको फेस किया, और हम उनको सलाम करते हैं, उन लोगों को, उन शहदा को सलाम करते हैं, हम अपनी आर्म फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस दहशतगर्दी का, और सारी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। उसमें बहुत नुकसान हुआ, तकरीबन 50-60 हज़ार जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। बहुत सारे हमारे सोल्जर्स, पुलिसमैन शहीद हुए, बहुत सारी तो कुर्बानियाँ दी गई। लेकिन इन कुर्बानियों में भी कौम ने एक इम्तिहान आया और उस इम्तिहान का मुकाबला किया, और उसको नबर्द आजमा हुए, और हमारे जो ऑपरेशंस हुए उनसे अल्लाह ताला के फजल से जो हमने वो वापसी का सफ़र है वो शुरू किया, और उसमें कामयाबियां भी हुई। चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए, इंटरनल सबवर्जन के चैलेंज हमें आप भी नज़र आते हैं। हमारे दुश्मन की वजह से हमें बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है कि जहाँ पे, और उसकी मिसाल ये है कि गुलभूषण यादव जो है जिसको पकड़ा गया कि जाके वहाँ सबवर्जन कर रहे थे बलूचिस्तान के अंदर। तो ये चैलेंज है, ये हमारी आइडेंटिटी के लिए, पाकिस्तानियत के लिए भी चैलेंज है। सो ये चैलेंज का इनका हमने सो ये जो कुछ अंदरूनी साजिशें बाहर से, और कुछ बैरूनी
خطرات جو ہیں ان سے بھی ہم نے نپٹنا ہے. اس کا مطلب خطرات سے نپٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوستی نہیں چاہتے, ہم تو دوستی چاہتے ہیں. ہماری تو سارا فوکس جو ہے وہ پاکستان کی اندرونی ترقی اور تروی کے لیے ہے, اور وہ تب ہی ممکن ہے جب کہ امن کا ماحول پیدا ہوگا. اس لیے ہم اپنے نیبرہڈ میں امن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ایک خانہ جنگی ہے وہ ختم ہو اور ایک سٹیبل افغانستان ایمرج کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں. لیکن جو وہاں پہ ہو رہا ہے, اور جس طرح کشمیر پہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں, جس طرح کشمیر میں لوگوں کو ایک وحشیانہ اور بربریت کے طریقے سے مارا جا رہا ہے, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سو یہ سارے چیلنجز ہیں جو قوم کے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ان چیلنجز کا, ان امتحانوں کا مقابلہ کرنا ہے. چند چیزیں میں آپ کی گزارش کروں گا کہ جو ہمیں, جو ریکلیمنگ پاکستانیت کی بات ہے, ہمیں خواندگی ناخواندگی کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی. یعنی کہ تعلیم یافتہ جو نہیں ہیں ان کو تعلیم دینی پڑے گی, اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. اس کے لیے ہمیں ایک, جسے کہنے کا, یہ صرف میں لفاظی نہیں کر رہا کہ جنگ ہے, یہ ایکچولی ایک جنگ ہے. اگر 32% لوگ ہمارے شہری جو ہیں وہ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں, تو ان کو یہ اس طرف لکھنا اور پڑھانا, اور 71 سال کے بعد اگر ہم اس مقام پہ ہیں, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بلکہ 60% سے ہم 58% پہ آ گئے ہیں. یعنی کہ آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے آئے ہیں. ہم پیچھے اس لیے آئے ہیں کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, لیکن ہم تعلیم پہ وہ توجہ نہیں ہم نے دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی. تو اس لیے ہماری حکومت کا ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ شرح خواندگی کو بہتر کرنا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہم بڑے مضبوطی سے بڑھیں گے, اور ہم عنقریب ایک پورا جامع منصوبہ پیش کریں گے جس طریقے سے ہم الٹریسی جو ہے اس کو وار فوٹنگ پہ درست کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا, ساری بھی قوم کے, کسی بھی قوم کے لیے انتہائی اور ضروری ہے کہ وہ ذہن اور سوچ جو ہے وہ مشترکہ ہو, یعنی کہ سنگل فریم آف ریفرنس ہو. ہمارے جو اب آپ تعلیم کے نظام دیکھیں, ہمارے چار قسم کے نظام کہہ لیں, نظام تو نہیں, چوتھا نظام تو نہیں ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا تعلیم کیا ہے, اس کے نابلد ہیں تعلیم سے. کچھ لوگ ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں, وہ سرکاری سلیبس ہے, اس کو پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں انگلش میڈیم اور ایک او لیول اور اے لیول اور اس قسم کی ڈگریز جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں, سرٹیفکیٹس حاصل کر رہے ہیں. پھر ہمارے مدرسے ہیں, وہ ان کا ایک اپنا نظام تعلیم ہے. تو اس سے قوم کے ذہن جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک تو ناانصافی ہے اس نظام میں, یہ جو مختلف تعلیمی نظام ہے اس میں ناانصافی ہے. ناانصافی یہ ہے کہ اس میں کامیاب لوگ کون ہیں. کامیاب وہ لوگ ہیں میرے جیسے جو کہ انگریزی اسکولوں کے پڑھے ہوئے, جنہوں نے مقابلے کے امتحان میں پوزیشنیں لیں کیونکہ ان کی انگریزی زبان پر دسترس تھی, وہ کامیاب ہیں اس نظام میں, باقی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ ناانصافی ختم کرنی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم نے قوم کی ذہن جو تقسیم ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے. اس کے لیے ہمارا بہت سیریس پلان ہم نے اناؤنس بھی کیا, اور انشاءاللہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے کہ ہم نے ایک یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ پاکستان میں رائج کرنا ہے. اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مضامین ایک جیسے ہوں, لیکن 5-6 کور سبجیکٹس ایسے ہوں جو کہ سارے بچے, چاہے وہ کسی بھی اسکول میں ہوں, کسی بھی جگہ ہوں, چاہے وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں ہوں, چاہے وہ کسی مدرسے میں ہوں, چاہے سرکاری اسکول میں ہوں, سب بچے جو ہیں وہ ایک ہی مضامین پڑھیں. اور پھر الٹیمیٹلی ایک ایسا وقت آئے کہ ہم ایک سنگل نیشنل سرٹیفیکیشن کی طرف بڑھیں, بجائے اس کے کہ مختلف اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ, کوئی او لیول کر رہا ہے, کوئی بیکلوریا کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ایک سنگل نیشنل سرٹیفیکیشن جو ہے وہ. تو اس انشاءاللہ اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. ہم نے ایک انصاف پہ مبنی معاشرہ پیدا کرنا ہے.
हमने जो हमारे जो जो माशरे में पीछे रह गए हैं, जो गरीब हैं, उनका हमने ख्याल करना है, हमने गुर्बत को कम करना है, गुर्बत को ख़त्म अगर नहीं किया जा सकता तो इंतहाई तरीके से कम करना है। उसकी चंद चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मसलन अभी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पर पनाह गाहें बनाई कि लोग जो सड़कों पर रात को सोए होते थे इस सर्दी के मौसम में, जिनके पास सर पे कोई छत नहीं था, तो अगर हम और फौरी तौर पे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको एक एक छत तो मुहैया किया जाए और उनको, ताकि वो रात को वहाँ रह सके। तो जो बेघर हैं, जो सड़कों पे सोते थे, उनके लिए पनाह गाहें बनाई। लेकिन ये एक छोटी मिसाल है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन छोटी है। हमने अपने निज़ाम को बेहतर करना है, हमने अपने जुडिशल निज़ाम को बेहतर करना है कि जहाँ पे ये ना हो कि अमीर के लिए निज़ाम और हो और गरीब के लिए निज़ाम हो, वो मुआशरा, ये जुल्म का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम क्या होता है? जुल्म का निज़ाम वो है कि जिसके लिए अमीर के लिए कानून और हो और गरीब के लिए कानून और हो। तो जहाँ जहाँ ये नाइंसाफ़ी है इसको हमने ख़त्म करना है। इसी तरह हमने जो साजिशें हैं हमारी कौम के ख़िलाफ़, उनका मुकाबला करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हालात अल्लाह ताला के फजल से बहुत बेहतर है, लेकिन हमने कौम ने यकजा हो के मिल के इन चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। तो ये है वो एलिमेंट्स जो हमारी पाकिस्तानियत, जो बात आज के सेमिनार का मौजू है कि पाकिस्तानियत है क्या और पाकिस्तानियत को चैलेंजेस क्या हैं और इन चैलेंजेस का हमने मुकाबला कैसे करना है। ये मैंने चंद मारूजात अपने सामने की। इसके अंदर एक और चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है, हम जो हैं हम एक मंबा हैं अपनी तारीख़ का, और जितने भी इन्फ्लुएंसेस हमारी तारीख के हमारे ऊपर हैं वो हमें हमारे में रिफ़्लेक्ट करते हैं, हमारे लिबास में रिफ़्लेक्ट करते हैं, हमारी ज़बान में रिफ़्लेक्ट करते हैं। वो मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे तारीख़ के। तो इनको भी हमने देखना है कि तहजीब के दायरे में, लिबास के दायरे में, ज़बान के दायरे में, इन सब चीज़ों में भी हमने देखना है कि हमारी शनाख्त क्या है। तो वो भी, उसकी तरफ भी हमने तवज्जो देनी है। लेकिन ये नहीं है, हमारी मल्टीपल, एक लिहाज से हमारी तारीख का जो डिस्टिलेशन है वो हमारे हमारे अतवार में और हमारे आदात में है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमने देखना है कि हमारी अपनी शनाख्त जो है वो क्या है। तो मैं फिर आपका जलसा और आपके सेंटर का बहुत मशकूर हूँ। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे पास अब काफ़ी सारे ऐसे आपके सेंटर, जैसा आपने सेंटर बनाया है, इस किस्म के सेंटर्स बन रहे हैं जो नेशनल इश्यूज़ के बारे में सोचते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मिलके एक पॉलिसी की तरफ के लिए मददगार साबित होती हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार के अगर सेंटर बनेंगे तो वो कौम के लिए बेहतर है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया।